देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करने के दौरान कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में बताया है। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा, आज भारत में कोरोना की 1 नहीं 2 नहीं 3 वैक्सीन इस समय टेस्टिंग के चरण में हैं। जैसे ही वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलेगी, देश में उन वैक्सीन की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की भी तैयारी है। देश के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर विशेष बात की है। उन्होंने कहा, जब कोरोना शुरू हुआ था तब हमारे देश में कोरोना टेस्टिंग के लिए सिर्फ 1 लैब थी। आज देश में 1400 से ज्यादा लैब्स हैं। आज से देश में एक और बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर ने कौन सी दवा दी, कब दी, आपकी रिपोर्ट्स क्या थी, ये सारी जानकारी एक हेल्थ आईडी में समाहित होगी। ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत शुरू किया गया है, जो भारत के हेल्थ सेक्टर में नई क्रांति लेकर आएगा।